Good morning, students. Today we will start with a new chapter, that is division. आप सब ने addition, subtraction, multiplication पढ़ा है, तो आज हम division पढ़ेंगे. Division के लिए आपको tables learn होने चाहिए. जैसे आप multiplication के लिए आपको tables learn करने पड़ते हैं, उसी तरीके से आपको division करने के लिए भी आपको tables अच्छे से learn होने चाहिए, तभी आप properly divide कर पाओगे. Okay? अब हम यहाँ देखेंगे मीनिंग ऑफ डिवीजन. डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग. जब हमें कोई भी सामान को या कुछ भी अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब जाके वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. डिवीजन इज ऑल्सो ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी है. वो कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 12 मैंगोज़ है और इन 12 मैंगोज़ को हमें 3 बॉयज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. मीन्स ये जो 3 बॉयज़ हैं इन्हें हमें इक्वल मैंगोज़ देना है, इक्वल इक्वल मैंगोज़. तो ये हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं. जैसे 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9. 12 मैंगोज़ में से हम 3 मैंगोज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 9 मैंगोज़ आता है. फिर 9 में से फिर 3 मैंगोज सब्ट्रैक करते हैं तो 6 मैंगोज. 6 में से फिर 3 मैंगोज सब्ट्रैक करते हैं तो हमारा 3 मैंगोज आता है. फिर 3 मैंगोज में से हम 3 मैंगोज हम सब्ट्रैक करते हैं तो हमारा 0. मीन्स अब हमारे पास कोई भी कुछ भी मैंगोज नहीं बचे हैं, सारे मैंगोज जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन्हें. तो हमने कितने कितने मैंगोज दिए हैं, ईच बॉय को, हमने हर एक बॉय को कितने मैंगो मिले हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखिए, 3 जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है वो कितने टाइम्स किया है? 1, 2, 3, 4. 4 टाइम्स किया है. इट मीन्स कि हमने ईच बॉय गेट्स 4 मैंगोज, हर बॉय को 4-4 मैंगोज मिले हैं यहाँ पे. ठीक है, ये था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. बट यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बजाय हम डिवाइड भी कर सकते थे, क्योंकि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करने के लिए इट टेक्स टाइम, टाइम लेता है बहुत. और जब ये तो स्मॉल नंबर था इसीलिए हमारा हो गया स्मॉलर था, जब हम बिग नंबर्स को हमें करना होगा डिवाइड और हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसीलिए हम इसे डिवाइड भी करते हैं. जैसे कि 12 मैंगोज को हमें 3 बॉयज में डिवाइड करना है ना? तो 12 डिवाइडेड बाय 3 हम डायरेक्टली करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, कितने बार 12 आएगा? 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 3 फोर जा 12. तो 3 फोर जा 12, ये आ गया. तो हमारा आंसर कितना है? 4. तो 3 बॉयज को कितने मैंगोज मिले? ईच बॉय गेट्स 4 मैंगोज. ठीक है, तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बजाय हम डायरेक्टली डिवाइड भी करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा. और दिस इज वेरी इजी और ये टाइम टेकिंग भी नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ डिवाइड करेंगे. ओके, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन आर इन्वर्स ऑपरेशन. इन्वर्स ऑपरेशन मीन्स जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6. ठीक है, 42 को जब हम डिवाइड किए हैं 7 से तो हमारा आंसर 6 है. और जब हम 7 इंटू 6 करेंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 42. तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं इसको जस्ट इन्वर्स किया है, डिवाइड का जस्ट हम इन्वर्स किया मल्टीप्लाई तो हमारा 42 आया है ना. तो इट्स अ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन आर इन्वर्स ऑपरेशन. नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग डिवीजन. सॉल्व करने से पहले हम डिवीजन के कुछ टर्म्स को पहले देख लेते हैं कि किस किनको क्या बोला जाता है. 45 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5. 45 यहाँ पे
45 को डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मीन्स जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिवाइडेड बाय 9, 9 जो है यहाँ पे ये डिवाइजर है। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जैसे 45 को हम 9 से डिवाइड करें तो ये जो 9 है ये हमारा डिवाइजर है। एंड जो हमारा आंसर आता है डिवाइड करने के बाद उसे हम क्वोशेंट कहते हैं। ओके, जो आंसर आता है उसे हम क्वोशेंट कहते हैं। ये है टर्म्स ऑफ डिवीजन। हियर आई विल एक्सप्लेन यू विथ वन एग्जाम्पल। यहाँ मैं एक सॉल्व करती हूँ। 8, 8 यहाँ पे क्या है? डिवाइजर। और 114 क्या है? डिविडेंड। तो पहले हम इसे डिवाइड करते हैं। जब भी आपको डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करते समय हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो और मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, इधर से जाते हैं वंस प्लेस से। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इधर से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि तो हम यहाँ पे हम 8 से डिवाइड करेंगे 114 को। तो यहाँ पे 8 का टेबल हम पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। अगर फर्स्ट डिजिट इससे छोटा है डिवाइजर से तो हम क्या करेंगे, उसका जो सेकंड नंबर है उसके बाद उसे भी ले लेते हैं। पहले देखते हैं कि फर्स्ट नंबर छोटा है कि बड़ा है। ये 8 है और यहाँ फर्स्ट नंबर 1 है, तो 1 जो है वो 8 से छोटा है, तो ये डिवाइड तो हो पाएगा नहीं क्योंकि 8 के टेबल में 1 नहीं आता है, छोटा है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ये 1 और ये 1, फर्स्ट प्लेस पर जो 1 है और यहाँ पे जो 1 है, ये दोनों को हम ले लेंगे। ये हो गया अब 11। 11 जो है वो 8 से बड़ा है, तो अब ये डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा ये देखते हैं। 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। यहाँ पे 8 वन ज़ा 8 है और 8 टू ज़ा 16। 16 जो है वो 11 से बड़ा हो जा रहा है, तो हमें 11 से, या तो हमें 11 चाहिए या 11 से छोटा। तो हम यहाँ पे 8 वन ज़ा लेंगे। 8 वन ज़ा 8, ओके। अभी हम इसे सबट्रैक करेंगे। 11 माइनस 8 कितना आया? 3। ठीक है, अब हम 8 को 3 से करेंगे। 3 जो है वो 8 से छोटा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 नंबर जो ये लेफ्ट है उसको हम नीचे ले आएंगे, तब ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अब 34 जो है वो 8 से बड़ा है, अब ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं कितने बार में डिवाइड होता है। 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा 32, 8 फाइव ज़ा 40। तो 8 फाइव ज़ा 40 बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या लेंगे, 8 फोर ज़ा 32, 8 फोर ज़ा 32। अब हम यहाँ सबट्रैक करेंगे। 4 माइनस 2, 2, 3 माइनस 3, 0। ये हमारा क्या आया, 2। अब 2 को इससे करेंगे, तो 2 जो है वो 8 से छोटा है, ये तो डिवाइड होगा नहीं, और यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं है जिसे हम नीचे लाएं और इसे बड़ा कर दें इस नंबर को, तो हम यहाँ पे 2 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब ये जो हमारा जो 2 जो लेफ्ट हुआ इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, जब हम डिवाइड जब नहीं हो पाता है आगे और कोई नंबर भी नहीं है जिसे हम बड़ा कर सके, तो इस नंबर ये लेफ्ट हो जाता है और इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ये 8 जो था ये हमारा है डिवाइजर, ये जो है 114 जो है जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो है हमारा डिविडेंड, और जो हमारा आंसर आया है 14 ये हमारा है क्वोशेंट, और ये जो 2 लेफ्ट हो गया है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ओके, तो ये एक और टर्म जो है आपको मिला है डिवीजन में, डिवाइजर, क्वोशेंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे एंड दीज आर द टर्म्स।
नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होगा, तब हम उसे डिवाइड कर सकते हैं नंबर को। फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय वन द क्वोशेंट इज द नंबर इट्सेल्फ। जब हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे कि सिक्सटी टू डिवाइडेड बाय वन, जो यहाँ 62 डिवाइडेड बाय हम वन हमने किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं 62 जो है वो डिविडेंड है और वन जो है वो डिवाइजर है। तो जब भी हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है। यहाँ वन का टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, वन वन सिक्स जा, पहले हम वन डिजिट से करेंगे, ये बड़ा है तो इसीलिए पहले डिवाइड हो जाएगा। वन सिक्स जा सिक्स, अब हम टू को यहाँ नीचे लाएंगे, अब कितने बार पढ़ेंगे, वन टू जा टू। तो हमारा क्वोशेंट क्या आया है, 62, ये हमारा हो गया क्वोशेंट एंड दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड। ओके, तो यहाँ पे किसी भी नंबर को हम वन से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, द नंबर इट्सेल्फ। 62 डिवाइडेड बाय वन इज 62। 215 डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू 215। 3412 डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू 3412। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि जब भी हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा, द नंबर इटसेल्फ, जो डिविडेंड है वही आएगा। नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, दैट इज व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट जीरो द क्वोशेंट इज वन। जब भी कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसी नंबर से तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज क्वोशेंट वो वन आएगा। फॉर एग्जाम्पल 62 डिवाइडेड बाई 62, यहाँ पे 62 डिवाइडेड बाई 62 है, तो ये 62 हमारा डिविडेंट है और ये 62 हमारा डिवाइजर है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे 62 का टेबल को पढ़ेंगे, कितने बार में आएगा, 62 वन ज़ा 62। ओके, ये हमारा क्या आ गया, आंसर क्वोशेंट। तो जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं उसी नंबर से तो हमारा क्वोशेंट जो है वो वन आता है। यहाँ देखिए 62 डिवाइडेड बाय 62, क्वोशेंट इज वन। 215 डिवाइडेड बाय 215, सेम नंबर है, क्वोशेंट इज वन। 3412 डिवाइडेड बाय 3412 इज इक्वल टू क्या आएगा, वन। सेम नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है हमेशा, क्वेश्चन जो है वो हमेशा वन आएगा। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो द क्वोशेंट इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे जब हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वोशेंट है वो हमेशा जीरो आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाय 62, यहाँ पे 0 जो है वो क्या है, डिविडेंट है, 0 है वो हमारा डिविडेंट है। ठीक है, हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 62 से, और ये 62 जो है वो हमारा डिवाइजर है। ओके, तो
जब हम जीरो को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो हमारा जो क्वोशेंट है वो जीरो आएगा, क्योंकि हम 62 का टेबल पढ़ेंगे, 62 के टेबल में तो जीरो आता नहीं है, तो 62 जीरो ज़ा जीरो, ओके ये आए हम करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आता है यहाँ क्वेश्चन, जीरो। व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय 62 इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज डिवाइडेड बाय 215 इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज डिवाइडेड बाय 3412 इज इक्वल टू जीरो। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि जब हम जीरो को डिवाइड करेंगे किसी, हमारा जो आंसर है